क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथ पैर में झुनझुनी क्यों पड़ जाती है? हमारे हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं? इसे हमने पिछले वीडियो में जाना था और ये भी जाना था कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, जिस वीडियो को आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका हाथ पैर सुन्न पड़ जाता है या झुनझुनी भर जाती है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या उपाय हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, और हमें इसे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये हर इंसान की समस्या है। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं उन सभी उपायों को। अगर ये सब आपके साथ नॉर्मल है, ऐसे में अगर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हों या झुनझुनी भर जाता हो, तो आप सिंपल सा हाथ पैरों को झटका देके या उस स्थान को थोड़ा सा रगड़ के झुनझुनी को से निपटारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये अक्सर आपके साथ होता हो तो आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला, हल्दी वाले दूध से इलाज। हल्दी दूध में एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा होती है। हाथ पैर सुन्न होने पर आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में पोषक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही दर्द एवं सूजन की समस्याओं को भी कम करते हैं। इसके लिए आप एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिक्स करके हल्का सा पकाएं और इसे पिए। तो हल्दी वाला दूध पीना सबसे उपयोगी होता है। नंबर दो, गुनगुने पानी से इलाज। अगर आपका अंग सुन्न हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, तो सुन्न पड़ गए अंग को थोड़ी देर हल्के गुनगुने पानी में भिंगोएं। इसे करीब 5-10 मिनट तक पानी में डालकर रखें, तुरंत राहत मिलेगी। नंबर तीन, दालचीनी का इस्तेमाल करके। दालचीनी में भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे अंगों में सुन्न होने की संभावना कम हो जाती है। एक चम्मच दालचीनी पाउडर में एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे खाने से शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होगा। अंग सुन्न होने की समस्याओं से आप परेशान नहीं रहेंगे। नंबर चार, मसाज या मालिश भी एक अच्छा उपाय है। शरीर का मालिश या मसाज की बात करें तो ये सदियों से लोग करवाते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। इससे सिर्फ थकान से नहीं बल्कि कई रोगों से मुक्ति मिलती है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी भी समस्याओं के कारण होने वाली हाथों पैरों में झंझनाहट से बचा जा सकता है। इस तरीके से भी शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है, जिससे आपको झंझनाहट या झुंझुनी नहीं होती। नंबर पाँच, विटामिन B12 की कमी की समस्याओं से हो सकती है। यह पोषक तत्व तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है। ऐसे में विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, केला, मटर, मीट का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि विटामिन B12 होता क्या है। हमारे शरीर में खून के अंदर लाल रक्त कणिकाओं को बनने में विटामिन B12 की भूमिका होती है। इसकी कमी से के कारण हमारे शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। व्यक्ति को हमेशा सुस्ती छाई रहती है, शरीर में चुभन जैसी महसूस होती है। नंबर छः, व्यायाम करके। अक्सर इस समस्याओं से परेशान रहते हैं तो प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, इससे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होगा। अगर आप सुबह 10-15 मिनट भी उछल कूद करते हैं, कोई छोटी मोटी चीज करते हैं, मतलब शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तो वो भी एक व्यायाम है। इससे आपका ब्लड सर्कुलर बढ़ता है और आप कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। इन सब उपायों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अपने हाथ पैरों में झुनझुनी के बारे में हमें कब चिंता करनी चाहिए। अगर आप झुनझुनी के साथ थकावट, दर्द या हाथ पैरों को हिलाने में असुविधा महसूस हो, तो यह चिंताजनक बात हो सकती है। उस वक्त आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपका हाथ पैर सुन्न बहुत दिनों से पड़ता आ रहा है या अक्सर दिन में कई बार हो जाता है, तो आपको उस वक्त भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो काम की लगी हो गाइस तो दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि ये समस्या हर एक इंसान के साथ होती है। तो अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लेट्स प्लेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो घंटे के आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन और मैसेज पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दूसरे ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।